दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच खेले गए पहले T20 मैच की फुल हाईलाइट देखनी है तो अभी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे आपको इस मुकाबले की फुल हाईलाइट फ्री में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला वेस्टइंडीज के शानदार स्टेडियम में खेला जा चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया की सटीक प्लेइंग 11 जो कि वो हमें पहले T20 मैच में खेलते हुए दिखी थी। तो हम आपको बता दें कि हमें टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखे थे शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा, दूसरे नंबर पर आते सूर्य कुमार यादव, तीसरे नंबर पर आते श्रेयस अय्यर, चौथे नंबर पर आते ऋषभ पंत, पाँचवें नंबर पर आते हार्दिक पांड्या, छठे नंबर पर आते रविंद्र जडेजा, सातवें नंबर पर आते दिनेश कार्तिक, आठवें नंबर पर आते रविचंद्र अश्विन, नौवें नंबर पर आते रवि बिश्नोई, दसवें नंबर पर आते भुवनेश्वर कुमार, जबकि 11वें नंबर पर आते हर्षदीप सिंह। दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 थी जो कि वो हमें पहले T20 मैच में खेलते हुए दिखी थी। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मुकाबले की फुल हाइलाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बारे में तो हम आपको बता दें कि हमें टीम इंडिया की तरफ से ओपनर्स में देखने को मिले थे शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा, जबकि दूसरे नंबर पर आते सूर्य कुमार यादव। तो हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार शुरुआत करी थी जिसमें हमें शुरुआती में सूर्य कुमार यादव की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 16 बॉल खेली जिसमें 3 चौके जबकि शानदार छक्के की मदद से 24 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट अखिल हुसैन ने ले लिया था। वहीं बात की रोहित शर्मा की तो हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया के स्कोर को आगे तक लेके गए। तो हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 44 बॉल खेली जिसमें 7 चौके जबकि 2 शानदार छक्के की मदद से 64 रन बनाए थे। इसी के साथ ही वो टीम इंडिया के हाई स्कोर भी रहे थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी जेसन होल्डन ने ले लिया था। वहीं बात की श्रेयस अय्यर की तो अय्यर इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके और शून्य पे आउट हुए हैं। दोस्तों, इनका विकेट ओबिट मैक्यू ने ले लिया था। वहीं बात की ऋषभ पंत की तो पंत भी इस मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि पंत ने इस मुकाबले में 12 बॉल खेली जिसमें 2 चौके की मदद से सिर्फ 14 रन बना सके, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी कीमो पॉल ने ले लिया था। वहीं बात की हार्दिक पांड्या की तो पांड्या भी आज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे बल्लेबाजी नहीं कर पाए और बहुत जल्दी आउट हो गए, जिसमें हम आपको बता दें कि पांड्या ने आज के मुकाबले में 3 बॉल खेली जिसमें सिर्फ 1 रन बना सके। दोस्तों, इनका विकेट अल्जारी जोसेफ ने ले लिया था, जिसके बाद हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली थी रविंद्र जडेजा और दिनेश कार्तिक की तरफ से, लेकिन हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में जडेजा का बल्ला नहीं चला। इसमें हम आपको बता दें कि जडेजा ने इस मुकाबले में 13 बॉल खेली जिसमें 2 चौके की मदद से सिर्फ 16 रन बना सके, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी जोसेफ ने ले लिया था। वहीं बात की दिनेश कार्तिक की तो दिनेश कार्तिक इस मुकाबले के अंत के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया के स्कोर को आगे तक लेके गए। तो हम आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में 19 बॉल खेली जिसमें 4 चौके जबकि 2 शानदार छक्के की मदद से 41 रन बनाए थे। इसी के साथ ही वो इस मुकाबले में नॉट आउट रहे थे। वहीं बात की रविचंद्र अश्विन की तो अंत के ओवर में रविचंद्र अश्विन ने 10 बॉल खेली जिसमें 1 शानदार छक्के की मदद से 13 रन बनाए थे, जिसके चलते टीम ने 20 ओवर में 190 रन बना लिए थे। दोस्तों, जिसके बाद चेस की वेस्टइंडीज टीम की स्वाद बहुत ही खराब रही थी, जिसमें हम आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम ने लगभग 5 ओवर में सिर्फ 40 रन बना के 2 विकेट खो दिए थे, जिसमें हम आपको बता दें कि कल मरेस ने इस मुकाबले में 6 बॉल खेली थी जिसमें 2 चौके जबकि शानदार छक्के की मदद से 15 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट हर्षदीप सिंह ने ले लिया था।
वहीं बात करें सैम ब्रुक्स की तो एस ब्रुक्स ने भी इस मुकाबले 15 बॉल खेली जिसमें 2 चौके जबकि शानदार छक्के की मदद से 20 रन बनाए थे, लेकिन बाद में कि उनका विकेट भी भुवनेश्वर कुमार ने ले लिया था। इसी के साथ जेसन होल्डर भी इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके और शून्य पे आउट हुए हैं। दोस्तों इनका विकेट भी रविंद्र जडेजा ने ले लिया था। दोस्तों अगर आप भी इस मुकाबले की फुल हाईलाइट देखना चाहते हैं तो अभी आप फॉलो कर लीजिए हमें टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे आपको उस मुकाबले की हाईलाइट फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक सेकेंड T20 मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।